वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणि पद्मे हम ओम साई राम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सिरपी, आपकी सिरपी। आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ पिरामिड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में, टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई क्या कहना चाहती है हमारी सोल। हमारी सोल की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं। काफी सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है और मुझे बोला है कि भाई आप ये टॉपिक लेकर आइए थी। एक्चुअली इस टॉपिक पर मैं पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ, लोगों को बहुत पसंद भी आया था, लेकिन पता नहीं मैं वापस लेकर क्यों नहीं आई। और अब भी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं इसको लेकर। वीडियो डालती हूँ तो वहां पर ये कमेंट आ जाता है, कम्युनिटी में पोस्ट डालती हूँ क्रिस्टल्स को लेकर, Q&A जो मैं शेयर करती हूँ वहां पर आ जाता है ये कमेंट। और लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि आप इस टॉपिक को लेकर आइए वापस से, काफी अच्छा लगता है, क्लैरिटी मिलती है। मैं सोचा चलो इसी टॉपिक को लेकर आती हूँ। कई लोगों का सवाल ये भी रहता है कि क्या सच में हमें पता लग सकता है कि हमारा फ्यूचर क्या है। अरे क्यों नहीं पता लग सकता, भगवान ने, ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने हमें ऐसे गिफ्ट्स दे रखे हैं जिनसे कि हम समझ सकते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है। लेकिन वही है कि हावी क्या पड़ जाए, है ना, हमारा मन हावी पड़ जाता है इन सारी चीजों पर। आप अगर अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो तो आपको अपने सोल से कनेक्ट होना पड़ता है। और सोल से कनेक्ट होते वक्त एक तो आप आसानी से कनेक्ट हो नहीं सकते, और अगर आप होने की कोशिश भी करते हो तो बहुत कुछ ऐसी बातें आपको पता लगती हैं जो आपके मन के विरुद्ध हैं, है ना। कई बार आपने देखा होगा आपकी इंट्यूशन आपको वो करने से रोकती है जो करने का आपका मन करता है ना। अब यहीं पर जो लोग अपनी सोल की सुनते हैं उनको पता लग जाता है धीरे धीरे करके कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, जन्म मृत्यु क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है। और जिनका मन हावी पड़ जाता है तो वो अनजान रह जाते हैं, राइट। तो बहुत इजी तो नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में तो आप ही जान सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग आपको बताते हैं वो बहुत स्पेशल हैं, आपके जैसे ही हैं। हम लोग आपके जैसे ही हैं एक्चुअली। बस यही है कि हमें फोर्स किया गया इसके लिए यूनिवर्स की तरफ से कि भाई आप इस रास्ते पर चलो, इस पर काम करो। जब हमें शुरुआत में इन चीजों में डाला गया था, यूनिवर्स ने डाला था, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता था बहुत। आप किसी भी साइकिक से, किसी भी रीडर से, हीलर से अगर आप बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि शुरुआती जो एक्सपीरियंस था अच्छा नहीं था। हम सभी ने बहुत कुछ फेस किया है और शुरुआत में यही लगता है कि इस जर्नी में हम नहीं आए, क्यों आना पड़ रहा है, हम नॉर्मल अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। बट जैसे जैसे इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे समझ आता है कि ये रियलिटी है एक्चुअली। जिस तरीके से आप कहते हो ना कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है ये रियलिटी नहीं है, जिसमें आप जी रहे हो वो रियलिटी है। जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो तब आपको समझ आता है कि वो सब कुछ वहम है, मोह माया है, रियलिटी वो नहीं, रियलिटी ये है। और ये जो हमें गिफ्ट्स मिलते हैं, हमसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है जब हमें ये गिफ्ट्स दिए जाते हैं कि हम दूसरों की हेल्प करें, तो हम इस पर काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं पता लगा सकते कि आपके फ्यूचर में क्या है। अगर आप कनेक्ट होते हो आपकी सोल से, बेशक आप पता लगा सकते हो। शर्त यही रहती है कि जो चीजें आपको पता लगे आप उनको एक्सेप्ट करें, फिर चाहे वो कितनी ही पेनफुल क्यों ना हो, क्योंकि फ्यूचर कैसा भी हो सकता है, ठीक है। और वो आपको अगर पहले से पता लग जाता है तो उसमें भी अगर आप खुश रह पाते हैं, बड़ा मुश्किल है। जैसे अगर कोई आपको ये कह दे कि अगले ही पल आप कि लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिससे आप बहुत ज्यादा हर्ट हो जाओगे, तो ये जानने के बाद भी अगर आप खुश रह सकते हो तो बेशक आप इस पर काम करें और स्पिरिचुअलिटी में आएं, अपने चक्रास पर काम करें। योग विद्या के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा आप ये पता लगा सकते हो कि आपका फ्यूचर क्या है, ठीक है। बट झेलने की ताकत होनी चाहिए। हम लोगों के साथ यही होता है, हम लोगों को पता लग जाता है कि आगे क्या है और फिर हम उसके अनुसार खुद को एडजस्ट करते हैं कि ठीक है आगे ये होने वाला है, हमें प्रिपेयर होने की जरूरत है, क्योंकि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ चीजें हैं जो कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ चीजें ऐसी हैं कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी चीजें हैं, जन्म मृत्यु, ये सारी चीजें कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसमें रहकर सच्चाई को जानकर भी खुश रह सकते हो जैसे हम लोग रहते हैं तो आप इस पर काम कर सकते हैं, पॉसिबल है। और आज की जो रीडिंग है ये से आपको काफी कुछ पता लगेगा। हो सकता है आज की रीडिंग में, आज जो मैं ये कर रही हूँ वीडियो, इसमें कई लोग ये भी बोले कि आप बहुत बोलते हैं, आप बहुत इतना सब क्यों बता रहे हैं। बस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लोगों को जानकारी हो और लोगों के मन से जो सवाल है वो हट जाए। अगर आपको सुनना अच्छा लगता है आप सुन सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं।
ओके सो इस रीडिंग को देखने के लिए जरूरी है कि आपके सामने जो क्रिस्टल्स सॉरी ये पिरामिड्स रखे हैं, हाँ क्रिस्टल पिरामिड्स, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। आप इनमें से एक सिलेक्ट करें और इसके बाद आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो पहला जो पिरामिड है मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, ये है अवर्नेस पिरामिड। ये अवर्नेस लेकर आता है आपकी लाइफ में, ओके। और ये है क्लियर क्वार्ट्ज, जो सबसे पहला पिरामिड है जो मैंने मंगवाया था खुद के लिए। और ये है ब्लैक टर्मिनल पिरामिड, जो डार्क एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करता है, नजर वगैरह अगर लगती है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। ये क्रिस्टल्स किस तरीके से काम करते हैं उसका मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हो, ठीक है। कोई जादू नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इनका अपना काम होता है, धीरे धीरे असर करता है ये, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इनमें से एक पिरामिड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली, और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। अगर आपको लगता है आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं करती अभी, तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअलिटी में है, काफी दिनों से काम कर रहे हैं अपने ऊपर, उनको वो ऑप्शन चूज नहीं करना है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, सारी चीजों के बारे में नहीं जानते, नए नए आए हुए हैं, इंट्यूशन का भी पता नहीं है, वो सिलेक्शन वो उस ऑप्शन पर जा सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइज, तो जनरल रीडिंग के जैसे ही देखें, जनरल इस रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है, ठीक है। मेल कैटेगरी में आते हो, फीमेल कैटेगरी में आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रीडिंग देख सकते हो। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता, आप किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को, आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से वीडियो पॉज कर लो, एक पिरामिड सिलेक्ट कर लो, और फिर हम आगे की बात करेंगे ब्रेसलेट्स के बारे में कि कैसे उनको क्लींस करना है, ओके। ऑलराइट, आई थिंक इतना काफी है। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूं कि मैं अपने ब्रेसलेट्स किस तरीके से क्लींस करती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, मैंने कई लोगों को बताया भी है, लेकिन पता नहीं क्यों वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, तो मैं सोचा कि मैं करके दिखा देती हूँ। हालांकि आप इनको क्लींस कई तरीकों से कर सकते हैं, मूनलाइट, सनलाइट, सनलाइट में थोड़ा कम ही, सनलाइट में कम ही क्रिस्टल्स को मैं क्लींस करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उनका स्पार्क उड़ जाता है, मैं नहीं करती। पानी में करती हूँ, या मूनलाइट में करती हूँ, या सेज स्टिक से करती हूँ। तो आज मैंने ऑलरेडी रखे हुए हैं ये क्रिस्टल्स मेरे, सी इस तरीके से मैं इनको क्लींस करती हूँ। मैंने जितने भी मेरे ब्रेसलेट्स हैं इसमें डाल रखे हैं, पानी है, और अब मैं कुछ और भी करने वाली हूँ जो मैं हमेशा करती हूँ, ये है परफ्यूम। आपके पास कोई परफ्यूम हो, एसेंस हो, जो भी हो, आप इसमें डाल सकते हो। तो ये रहा इस तरीके से, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मिक्स किया और साइड में रख दिया। अब ये 30 मिनट्स आप इनको रख सकते हो, ये क्लींस खुद हो जाएंगे। सेज स्टिक्स है तो आप धुआं भी इस तरीके से कर सकते हो, एंड उसके बाद इनको आप पहन सकते हो। बहुत ही प्यारी सी, वाह वाह, ये बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है, और वो अपना काम कर रही है, ठीक है। तो 15 मिनट्स के बाद इनमें से कुछ ब्रेसलेट्स मैं पहनने वाली हूँ जो मुझे लगेगा कि पहनना चाहिए, एंड देन हम रीडिंग शुरू करेंगे। आई थिंक अब आपने देख लिया है तो आपके लिए आसान हो गया होगा। वैसे मैं जब बोलती हूँ कि पानी में डालकर आपने रखना है, तो लोगों को समझ नहीं आता कि पानी में डालकर मतलब क्या, ऐसे पानी में डाल दो बस। हाँ, ऐसे ही डालना है। आपके पास कोई परफ्यूम वगैरह है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप वैसे भी डाल सकते हो, काफी है। होली वाटर मैं डालती हूँ समटाइम्स, अभी तो मेरे पास है नहीं, मुझे एनर्जाइज करना है, होली वाटर बनाना है। मुझे कई लोग बोल भी रहे थे कि होली वाटर हमें चाहिए, आप प्रोवाइड करिए। बहुत जल्दी होली वाटर आपको मिलेगा, मैं ऐप पर लेकर आऊंगी, आप वहां से बाय कर सकते हैं। थोड़ा मुझे टाइम चाहिए एक्चुअली उसको एनर्जाइज करने में, मतलब लग जाता है 1 से 2 घंटे, तो वो टाइम चाहिए, और मैं खुद आपको दूंगी आपकी हेल्थ अच्छी करने के लिए, आपकी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए वो होली वाटर होगा, आप उसको ले सकोगे। अभी तो तैयारी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे हमारी रीडिंग। इसको मैं रख दूंगी साइड में, और कुछ 15 मिनट्स के बाद, पहले तो मैं इनको पहन लूंगी, उसके बाद ही रीडिंग करूंगी, ओके। चलिए, हेलो गाइस, तो ये रहे मेरे ब्रेसलेट्स जो मैंने आज पहने हुए हैं। इविल आई है एंड ब्लैक टर्मिनल है, मुझे मन किया आज पहनने का, तो मैंने पहन लिया, इससे मैच कर रहा है। ओके, तो आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं आप, और देखते हैं क्या कुछ आता है, क्या आपकी सोल आपको कहना चाहती है। ढेर सारी बातें हो गई आज तो। ये वाले जो कार्ड्स हैं मैं यूज कर रही हूँ, अगेन ब्लैक है। मेरा मन किया आज इनको यूज करने का, और वो जो कार्ड्स मैं हमेशा ही रीड करती हूँ उनको मैंने रखा है
सनलाइट में क्लींस होने के लिए. काफी दिनों से मैं उनको रीड कर रही हूँ, उनको भी रेस्ट चाहिए. ठीक है, तो जिन्होंने ये वाला पिरामिड चूज किया है, अबंडेंस पिरामिड, तो चलिए देखते हैं कि आपकी सोल आपको क्या कहना चाहती है. और ये जो है इनको मैं थोड़ा ऐसे रख देती हूँ. ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. चलिए देखते हैं क्या कहना चाहती है आपकी सोल आपको. लेट्स सी, मुझे डेथ का कार्ड दिखा, बट लेट्स सी क्या आता है. चैरियट, ओके, टू ऑफ कप्स, राइट, एस ऑफ वांड्स, जस्ट अ मिनट, मैं सारे ही कार्ड्स पहले ही निकाल लूंगी गाइस, और उसके बाद ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपकी जो सोल है वो आपसे क्या कहना चाहती है. व्हेन यू आर रेडी, वही मैसेज आ रहा है. यहां से भी देख लेती हूँ, आज मैं योगिक पाथ से देखना चाहती हूँ क्योंकि ये आपके सोल से काफी अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं ये वाले कार्ड्स. लेट्स सी क्या आता है. अनाहता, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कि ये कार्ड आएगा. जब ये कार्ड्स मैं क्लींस कर रही थी ना, तब ये बार बार निकल कर आ रहा था, तो आपके लिए ही था. पाइल वन के लिए, हो सकता है पाइल टू में भी आ जाए. स्वादिष्ठाना, ओके ओके, ये प्रॉब्लम है आपके साथ. और ये प्रॉब्लम आई क्यों, कुछ कार्ड्स में और भी देखना चाहूंगी अभी तो. इंटरेस्टिंग, वेट, ओके सी, ये जो हुआ दिखाई दे रहा है इससे तो किसी को भी प्रेयर, हाँ ये प्रॉब्लम हो ही जाएगी. ओके, तो जिन्होंने भी पिरामिड वन चूज किया है, अबंडेंस पिरामिड जिन्होंने चूज किया है, एक्चुअली उनकी जो सोल है वो उनसे ये कहना चाहती है कि भाई आगे बढ़ो और एक्शन लो. ओके, आप कहीं ना कहीं रुक गए हो, ये हो गई है प्रॉब्लम आपके साथ. अगर मैं आपकी पास्ट की एनर्जी को देखूं तो आप काफी ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो और काफी ज्यादा एक्टिव. जैसे एक मैजिशियन होता है ना, मैजिशियन के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, छड़ी घुमाई और काम हो गया, है ना. यही तो देखते थे ना हम बचपन से, कबूतर को खरगोश बना दिया, खरगोश को कुछ और बना दिया, है ना, ये देखा करते थे. तो इससे क्या हमें लगता था कि जो मैजिशियन है, जादूगर है, वो कुछ भी कर सकता है. तो वैसी ही कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी थी. अगर मैं आपकी पास्ट की एनर्जी में जाऊं तो आपकी सोच कुछ ऐसी थी कि मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कैन डू एनीथिंग. अगर मैंने मैनिफेस्ट किया, अगर मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं भी पता था, तो कॉन्फिडेंस ऐसा था कि अगर मैं कुछ भी मांगूंगी या मांगूंगा प्रभु से तो वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा. कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि जैसे उन्होंने प्रे किया उनकी वो विश पूरी हो गई, और इस तरीके से धीरे धीरे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला जाता है. इसी तरीके से चीजें काम करती हैं. अगर आपके काम बनते नहीं हैं तो कॉन्फिडेंस
निकलता चला जाता है, और अगर आपके काम बनते गए तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो फिर घमंड में बदल जाता है, ऐसा होता है। ये जो लगातार काम बनते हैं ना, ये सब कुछ होता है यूनिवर्स की मर्जी से या फिर प्रभु की मर्जी से, लेकिन बंदे को क्या लगने लग जाता है कि मैं इतना काबिल हूं, मैं इतनी काबिल हूं, इसलिए मेरे काम बन रहे हैं। और जिनके काम नहीं बन रहे हैं, जो असफल हैं, वो काबिल नहीं हैं, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं होती। बहुत सी चीजें हैं जिनका असर बढ़ता है। जो असफल हैं वो काबिल नहीं हैं, ये सोचना गलत है, ठीक है। तो कुछ भी है, ऐसा भी हो सकता है कि आप काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ कॉन्फिडेंस ही था जो कि अच्छा है, बट टाइम के साथ कुछ ऐसा हुआ कि धीरे 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 करके वो जो आपका कॉन्फिडेंस था कहीं ना कहीं घटता चला गया, ठीक है, माइनस 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 होता चला गया। और ये हुआ तब है जब आपके दिल को चोट पहुंची है। यहां पर जिस चक्रा पर काम करने के लिए बोला जा रहा है, जिन चक्रास पर काम करने के लिए बोला जा रहा है, वो यही बताते हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, और ये जो तकलीफ आपको मिली है ये आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से नहीं है। या फिर ऐसा है कि कोई प्रोजेक्ट आपका ऐसा था जिससे आपके इमोशंस जुड़े हुए थे, कोई आपका ऐसा ड्रीम था जहां पर आपको ये नहीं था कि अगर मैं ये काम पूरा कर लूं तो मुझे ढेर सारा पैसा मिलेगा, जहां पर आपको ये था कि अगर मेरा ये काम पूरा हो गया, अगर मेरा ये सपना पूरा हो गया तो मुझे संतुष्टि मिलेगी, और वो काम, वो सपना आपका पूरा नहीं हुआ। वैसे 90% लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ है, या तो आप किसी कनेक्शन में आए हैं, सोलमेट या ट्विन फ्लेम, और ऐसा भी हो सकता है कि कार्मिक हो, एक स्पिरिचुअल जर्नी पर आप आए, या फिर किसी और के साथ हो सकता है, किसी फैमिली मेंबर के साथ में या किसी फ्रेंड के साथ में, ठीक है। जहां से आपको मैं मतलब ये भी नहीं देख रही कि जैसे अगर धोखा मिला हो, ऐसा कुछ हुआ हो, ठीक है, सबके लिए वो नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आ नहीं रही। मुझे एनर्जी कुछ ऐसी आ रही है जैसे कि आप बहुत मजबूर से हो। हो सकता है कि आप की पर्सनल लाइफ में ऐसा हुआ हो, आप किसी के साथ कनेक्शन में आए, फिर धोखा मिला, या फैमिली मेंबर से धोखा मिला, फ्रेंड से धोखा मिला, उस वजह से आप आज जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में हो, उस वजह से हो। वैसे ये होगा 10% लोगों के साथ, बाकियों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई धोखाधड़ी नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं है। जैसे आप किसी को पसंद करते हो, आपने अपने दिल की बात कही, सामने वाले ने सीधा आपको कह दिया कि नहीं हो सकता, ठीक है, बट फिर भी आप अपना जो मन है ना वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हो, और फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आप में कुछ खास नहीं है, खास होता तो वो एक्सेप्ट कर लेता या कर लेती, राइट। इस तरीके की चीजें हैं। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है धीरे 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 करके वो गिरता चला जा रहा है, आपका जो हॉर्ट चक्रा है वो भी ब्लॉक्ड है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो रफ्तार आपकी होनी चाहिए, जो कि पहले हुआ करती थी, जैसे अगर मैं पास्ट की एनर्जी देखूं, आप बहुत ही तेज तर्रार से थे, कॉन्फिडेंट थे, कोई भी आपको काम मिला तो झट से किया, तुरंत बोले, आगे बढ़कर आपने जो भी अपने विचार थे वो रखे, तो धीरे धीरे करके वो पूरा चेंज हो रहा है। अभी ऐसा हो गया है कि अगर आपको बात करने का चांस मिलता हो तो आप झिझकते हो कि पता नहीं मुझे कहना चाहिए या फिर नहीं कहना चाहिए, है ना, मुझे अपनी बात रखनी चाहिए या फिर नहीं रखनी चाहिए, मैं क्रिएटिव हूं या फिर नहीं हूं, मेरे में तो ये कमी है, मैं कैसे सामने जाऊं, या फोकस करने की कोशिश कर रहे हो काम पर तो नहीं कर पा रहे हो, और फिर लग रहा है कि सामने वाले ने कोई सवाल पूछ दिया तो मैं क्या जवाब दूंगी, जब मुझे खुद ही नहीं पता, मुझे खुद ही नहीं पता है कि मैं क्या बोलने जा रही हूं, क्या करने जा रही हूं, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं। तो आपकी सोल ये कह रही है कि फाइनली अब, क्योंकि इतना टाइम हो गया है, अब इससे आप बाहर निकल आओ, ठीक है, बाहर निकलने की कोशिश करो। और एक चीज है यहां पर कि जो भी है उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर एक्सेप्ट नहीं करते हो, ऐसा भी होता है कई लोगों के साथ में, अगर उनका कॉन्फिडेंस घट रहा है, अगर वो पहले जितने मजबूत नहीं है, अगर वो खुद को वीक महसूस कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करो, ठीक है, एक्सेप्ट करो, रोना है रो लो, बट फिर उस पर क्या करना है, काम करना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको फीवर हो गया या कोल्ड हो गया, कफ हो गया, अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि आपको कोल्ड एंड कफ है, तो आप उसका इलाज कैसे करोगे? आप यही कहोगे कि नहीं मुझे कोल्ड कफ नहीं है, आई एम वेरी हेल्दी एंड ये करोगे, है ना, तो उससे क्या होगा, उससे बीमारी बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। और अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ जी मुझे कफ है, मुझे कोल्ड है, मुझे फीवर है, मैं वीक फील कर रही हूं,
मैं बीमार सा महसूस कर रही हूं, देन आप क्या करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे। ठीक है, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो खुद का इलाज जैसा भी कर सकते हो होम रेमेडी से वो करोगे और फिर परफेक्ट हो जाओगे। तो एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करो और इस पर काम करो। साथ ही साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, अगर आप लोगों से कटे कटे रहने लगे हैं, तो ये नहीं करना है आपने, क्योंकि अगर आप यही करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप लोगों के सामने आओगे तो आप बात ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उस दुनिया से बिल्कुल अलग हो चुके हो। और अगर अलग हो जाओगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, जब वापस से उन्हीं सारे लोगों में आपका मिलना जुलना होगा, क्योंकि घर पर आप नहीं बैठ सकते ऐसे चुप करके, है ना, बात तो करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना जुलना तो होगा, तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, लोगों को फेस करना, लोगों के सवालों के जवाब देना, है ना। वो अगर ये भी पूछेंगे ना कि आपका हालचाल कैसा है, तो उसका भी जवाब देने में आपको हिचकिचाहट होगी, आपको लगेगा कि किस तरीके से जवाब देना चाहिए, आप भूल जाओगे ना सब कुछ। तो ये आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको अपने हॉट चक्रा पर काम करना है। ठीक है, आपका जो हॉट चक्रा है उस पर थोड़ा मेडिटेशन करो, उस पर योगा करो। कैसे मेडिटेशन करोगे, हॉट चक्रा का जो मेडिटेशन है आपको उस पर मिल जाएगा यूट्यूब पर, या फिर तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, वो मेडिटेशन आप प्ले कर लीजिए, वो वीडियो या ऑडियो जो भी है प्ले कर लीजिए, और उसको सुनना है और ऐसे फील करना है कि आपके बॉडी में जो हॉट चक्रा है राउंड एंड राउंड वो घूम रहा है, और उसके अराउंड एक व्हाइट कलर की या येलो कलर की जो लाइट है वो आ रही है या उस पर पड़ रही है और उसको क्लींस कर रही है, उसको ओपन करने का काम कर रही है। जो भी चक्राज हैं उनके अपने अपने कलर्स होते हैं, आप वो कलर्स याद कर लीजिए और वो किस जगह पर प्लेस्ड हैं वो याद कर लीजिए अपने बॉडी में, और अपने बॉडी को इमेजिन करना है मेडिटेशन करते वक्त आंखें बंद करके, और ऐसे देखना है कि हाँ ये मेरा हॉट चक्रा है और इस तरीके से ये घूम रहा है। ठीक है, ये करना है। दूसरा, आपको अपने सैक्रल चक्रा पर काम करना है। ये दो चक्राज अगर आप बैलेंस में ले आते हो, ये सारे इश्यूज आपके चले जाएंगे। ओके, ओवरऑल एनर्जी क्या है, ओवरऑल एनर्जी ये है कि आपकी जो सोल है वो आपसे कह रही है कि बहुत हुआ, जितना आपको डिप्रेशन में रहना था आप रह लिए, जितना आपको खुद को कमजोर समझना था आप समझ लिए, अब टाइम ये है कि आगे बढ़ो, एक्शन लो। और भाई जिंदगी नहीं रुकती है तो आपको भी अपनी नहीं रुकनी है, सीधी सी बात, साधारण सी भाषा में इस तरीके से जिंदगी आप नहीं जी सकते। बहुत कुछ है जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है, लेकिन सिर्फ इन्हीं सारी बातों की वजह से आप रिसीव नहीं कर पा रहे। हम सभी को अबंडेंस चाहिए, आपने अबंडेंस पिरामिड तक चूज किया है, अबंडेंस आएगी कैसे, दरवाजे खोलोगे तभी तो आएगी ना, तो आपको इस पर काम करना है। तो आपकी सोल यही कहना चाहती है, एक्शन लो, आगे बढ़ो, और जो आप पहले हुआ करते थे आपको फिर से वही बनना है। ऑलराइट, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, फेल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने चूज किया था ये वाला पिरामिड, तो चलिए अब मैं उनकी रीडिंग करूंगी, देखते हैं कि आपकी जो सोल है वो आपको क्या कहना चाहती है। लेट्स सी, एट ऑफ पेंटिकल्स, तो काफी क्रिएटिव हैं आप। आपको कैंडल्स पसंद हैं क्या? किंग ऑफ सोल्स, क्या कहना चाहती है आपकी सोल आपको? एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स, राइट, जस्टिस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस, फाइनली, और फिर से है यहां पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ कार्ड्स मैं और निकालूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी सोल आपको क्या कहना चाहती है। दो निकल कर आ गए हैं, चलो कोई नहीं, कितना प्यारा लग रहा है ग्रीन ग्रीन सा। ओके, ऑलराइट,
ओके, यहाँ से कुछ कार्ड्स मैं और निकालूंगी। ये योगिक पाथ है, ये काफी अच्छे से कनेक्ट होते हैं आपके सोल से। एक्सैक्ट मैसेज जो भी होगा आपके लिए। ओके, सेल्फ रियलाइजेशन एंड ओके, आज की रीडिंग कमाल कर रही है। ऑलराइट, कुछ और देख लेते हैं कार्ड्स। ओके जी, तो बॉटम ऑफ द डेक में आपको दिखा देती हूँ क्या है कंफ्यूजन। क्या राशि है आपकी? तुला राशि है, लिब्रा नो, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकते हो शायद, या फिर कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। राशियां वैसे मैटर नहीं करती, मैंने बता दिया, दिख रहा है तो। तो जिन्होंने भी पिरामिड नंबर 2 चूज किया है, आपको ये बोला जा रहा है कि फाइनली आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। शायद आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो। जब डिसाइड करने की बात आती है कि इस दिशा में जाया जाए या उस दिशा में जाया जाए, तो आप समझ नहीं पाते कि आपको किधर जाना है। लाइफ में करना बहुत कुछ है, काफी क्रिएटिव हैं आप, आइडियाज बहुत हैं, आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, लेकिन कर तभी पाओगे जब एक डिसीजन लोगे, है ना? कुछ तो चुनना पड़ेगा। दो नावों पर पैर रखकर अगर आप चलते हो तो उसका आउटकम क्या निकलता है आपको पता है ना? वही है। तो आपको बोला ये जा रहा है कि आप चेंज के लिए तैयार हो जाओ और एक्शन लो। कुछ लोगों की अगर आपको हेल्प लेनी है तो आप हेल्प ले सकते हो, उसमें आपको हिचकिचाना नहीं है। हो सकता है आपको ये लगता हो कि मैं जो करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ वो अकेले नहीं कर सकता, मुझे लोगों की हेल्प चाहिए होगी, बट हेल्प लूं या फिर नहीं, क्योंकि अगर मैंने हेल्प ली तो मुझ पर एहसान चढ़ जाएंगे, है ना? तो एहसान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपकी हेल्प करते हैं तो कल आप उनकी हेल्प कर देना, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको हेल्प लेनी पड़ती है, आप बिना हेल्प के काम नहीं कर सकते। अभी मुझे ही देख लो, मैंने अभी क्रिस्टल जो देने शुरू करे हैं, इसके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर लोगों को दिया है ताकि वो आसानी से मेरे तक पहुंच सके, तो उनके मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, अब शुरुआत में क्या हुआ, मैंने सोचा कि मैं सभी का रिप्लाई कर दूंगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब मैसेजेस आने शुरू हुए ना, तब पता चला कि नहीं कर सकती, काफी सारे मैसेजेस हो जाते हैं, मेल्स आ जाते हैं। तो शुरुआत में मुझे ये लग रहा था कि मैं अकेले हैंडल कर लूंगी, लेकिन नहीं हो पाया। तो अब मैं क्या कर रही हूं, अपने पार्टनर्स को इसमें शामिल कर रही हूं। कम से कम 2 से 3 लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं, और उसके बाद भी आपको पता है अधूरा ही रह जाता है। हर दिन हम 20-30 या समटाइम्स 50 तक लोगों को ले लेते हैं, मैसेजेस ले लेते हैं, रिप्लाई कर देते हैं, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके रिप्लाई उनको नहीं मिल रहे हैं और वो नाराज हो रहे हैं। हम उनको उनसे माफी भी मांगते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं वेट करने के लिए, और हम उनकी भी स्थिति को समझते हैं कि वो कितना वेट करें, लेकिन जो भी है आप कुछ चीजें अकेले नहीं कर सकते। तो जिन लोगों की मैं हेल्प ले रही हूं ना, मैं तैयार हूं उनकी हेल्प करने के लिए, कल को अगर उनको मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं उनके साथ रहने वाली हूं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है? कि आपको बोला गया है हेल्प लेने के लिए, क्योंकि दूसरों की हेल्प से ही आप ये कर पाओगे। ये भी हो सकता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अकेले उसके बारे में सोचते हुए। जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ जी, तो मैं आपको बोल रही थी कि अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, तो वहां पर आप किसी की हेल्प ले सकते हो कि भाई ऐसे सिचुएशन है, मैं क्या करूं, मुझे किस तरफ जाना चाहिए। बट हाँ, किसी ऐसे व्यक्ति से ही आपको सलाह लेनी है जो आपसे जलता ना हो, जो आपकी आपके लिए बुरा ना सोचता हो, इंटेंशंस आपके लिए अच्छे हों, उसी से सलाह लें। वरना इस तरीके के जो लोग हैं आपको गलत सलाह दे देते हैं आपका आपके वेल विशर बनकर, ठीक है? तो इसमें आपको सावधानी रखनी है। आपको ये भी बोला जा रहा है, आपकी सोल आपको खुद बोल रही है कि भाई आपका जो थर्ड आई चक्रा है उस पर थोड़ा आप काम करें और सेल्फ रियलाइजेशन के मोड पर जाएं, खुद के बारे में जानें और समझें कि आप क्या हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है, और कहीं ना कहीं हो सकता है इसी वजह से आपको लगता हो कि आप हवा में रहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है आपके लिए, डिसीजन लेना। कैसे डिसीजन लिया जाए, कैसे हम कैसे समझे कि कौन सा हमारा जो काम है वो सही है, कौन सा रास्ता सही है। एक वो मन में वो चीज बहुत रहती है ना कि मैं जो काम करूं उसमें प्रॉफिट ही होना चाहिए, मैं जो काम करूं उसमें 100% फायदा ही होना चाहिए,
और आपने देखा होगा कि जब भी आप ये सोचकर कोई काम करते हो तो पक्का उसमें प्रॉब्लम हो जाती होगी, नहीं बनता होगा आपका काम, या बन गया तो बाद में लगता होगा कि मतलब बना वो भी थोड़े समय के लिए, और बाद में फिर उसकी जो हालत हुई है आपको फिर ये और लगता होगा कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो मेरी बेइज्जती कर देंगे कि अरे तुम तो बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रही थी, बहुत कह रही थी कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया, मेरा फायदा हो गया, अब लो, है ना? ऐसा होता है, मैंने कई बार देखा है ये ना। मेरा भाई भी बहुत करता है इसलिए मुझे पता है, कोई भी काम करने का हो, कुछ कुछ भी हो करने के लिए अगर आप बोलते हो ना, मैं बोलती हूं ना अगर, तो इतना सोचेगा कि वो काम करता ही नहीं है, शुरू ही नहीं करता, बहुत समझाना पड़ता है मुझे। तो हो सकता है आपके साथ भी वही हो, बहुत प्रॉफिट लॉस, इतना सोचा, इतना ओवरथिंक किया कि शुरुआत करने से पहले ही ये लगता है हार मान लेते हो कि ठीक है, लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिए, वो वाला हाल है। बट आपको ये बोला गया है कि ये जो है, जो समय अभी है, या तो अभी है या फिर कुछ 2 से 4 दिन बाद कुछ तो है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, प्रपोजल आ रहा है, तो इस टाइम ना आपने ये काम नहीं करना है। इट्स हाई टाइम आप डिसाइड करिए और एक्शन लीजिएगा। किसी की सलाह की जरूरत पड़े सलाह ले लो, किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है हेल्प ले लो, क्योंकि हेल्प लिए बगैर, डिसाइड किए बगैर ये नहीं होगा, और उसके बाद फिर आप जहां थे वहीं रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक चीज आपके अंदर और है, जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो उदास पहले हो जाते हो, अरे पहले रिजल्ट तो आने दो, ठीक है? हार सी मान लेते हो, पता नहीं होगा या फिर नहीं होगा, आप कर रहे हो तो फिर जान लगाकर करो, ठीक है? फायदा नुकसान फिर आगे देखा जाएगा। इमेजिनेशंस में रहते हो, बहुत डे ड्रीमिंग चलती है आपकी, लेकिन उस पर एक्शन लेना वो नहीं बनता आपसे। तो आपको वही बोला जा रहा है कि भाई इस पर थोड़ा काम करो, कन्फ्यूजन से बाहर निकलो, एक्शन लो, फाइनली कोई अपॉर्चुनिटी, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पता है? एस ऑफ पेंटिकल्स यू ही नहीं आता, बहुत बड़ा ऑफर है, और अगर आपने वही काम करे जो आप हमेशा करते हो तो बहुत पछतावा होगा, ऐसे समझ लो, ठीक है? तो मैंने आपको ये क्लैरिटी दे दी है। तो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला पिरामिड ब्लैक टर्मिलिन, तो लेट्स सी आपकी सोल आपको क्या कहना चाहती है। ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वंड्स। अच्छा, और देखते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। वेट कर रहे हैं आप किसी चीज का, किसी काम के होने का, कोई एक्शन लेने का। देखते हैं क्या आता है आपके लिए। एक जैसी ही एनर्जी है यहां पर। ओके, दो कार्ड्स आ रहे हैं, मैं दोनों ही ले लेती हूँ। बुद्धि, ओके, एंड देन मणिपुरा। ये तो बहुत ही स्पेशल है पाया। ओके,
आप भी तुला राशि के हो क्या? जस्ट अ मिनट. ओके, तो जिन्होंने भी ये वाला पिरामिड नंबर 3 ब्लैक टर्मलिन चूज किया है, गाइस आपको ये लगता है कि आप क्लूलेस हो, मतलब जैसे आपको पता ही नहीं है कि आप इस दुनिया में हो तो क्यों हो. आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आपकी जो ड्यूटी थी वो आपने पूरी करी, आपके पेरेंट्स के प्रति जो थी, आपके फ्रेंड्स के प्रति जो थी, आपके भाई बहनों के प्रति जो थी, आपने जो भी आपके कर्तव्य थे उनको पूरा किया, सबकी बातें आपने सुनी है, सबको माना है, लोगों ने जो कहा है वो आपने किया है, अपने मन को कहीं साइड में रख दिया, अपनी दिल की नहीं सुनी. ये सब कुछ करने के बाद भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको फील होता होगा कि क्या मतलब है इस सब का. मैं अभी भी समझ नहीं पाई या समझ नहीं पाया कि इस सब को करने से क्या मिलना था, मैं कौन हूं, मैं किस लिए हूं. एक ना संतुष्टि सी है, कई सारे सवाल हैं, क्वेश्चन मार्क्स ही है लाइफ. एक तरफ भीड़ है और दूसरी तरफ अकेलापन. जहां भीड़ है वहां पर भी संतुष्टि नहीं है, मतलब वो भीड़ में भी अकेलापन है, और दूसरी तरफ अगर भीड़ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, दिखाने का भी नहीं है. ठीक है, कुछ इस तरीके से है. बहुत कुछ मिला भी है जिंदगी में, लेकिन जो चाहिए था वो नहीं मिला, और जिसके चलते सवाल ही बन जाती है लाइफ के क्या है ये. ये भी रहता होगा आपके साथ के अरे वो दूसरा जो है उसने तो कुछ किया भी नहीं, उसकी जिंदगी में तो सब कुछ है, उसको तो सब कुछ मिल गया, और मैं तो इतना सब कुछ कर रहा हूं फिर भी जो चीज चाहिए वो नहीं मिलती. तो ये सारी चीजें हैं क्या आपके मन में? और जो आपकी लाइफ में हो चुका है शायद उसका जो उस दुख है, जो तकलीफ है, उसकी जो भी हुआ है, कुछ तो हुआ है, अभी मुझे नहीं पता क्या है, कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ही पेनफुल रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं आप अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे, उसको भी समेट कर रखा हुआ है. मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारी लाइफ में हमें कई सारे लोग मिलते हैं, कई सारे कनेक्शंस हमारे बनते हैं, और उन कनेक्शंस में कुछ तो हमारे साथ रह जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो चले जाते हैं. ठीक है, रिश्ता हमारा बनता है और टूट जाता है. अगर हमारा रिश्ता टूटे किसी के साथ में, मेरा मानना यह है कि फिर उससे जुड़ी जो भी यादें हैं उनको हमें हटा देना चाहिए. मैं यही करती हूं गाइस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी किसी से फ्रेंडशिप हुई और मुझे सामने से वो नहीं मिला जो मैं चाहती थी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ कर ही नहीं रही, मैं पहले अपनी तरफ से ही करती हूँ, अपना पूरा 100% देती हूँ, और फिर सामने वाले की तरफ से अगर मैं देखूं कि सामने वाला मुझे मैनिपुलेट कर रहा है और मुझे ऐसे फील करवा रहा है कि उसको बात नहीं करनी या कुछ भी, तो मैं उससे पहले तो कनेक्शन खत्म करती हूँ. उसके बाद उससे जुड़ी जो भी यादें हैं, जैसे मेरे फोन में उसका फोन नंबर सेव्ड है उसको डिलीट किया, उसके जो भी चैट है उसको डिलीट किया, सारे मैसेजेस हटा दिए, फोटोग्राफ्स हैं उनको हटा दिया, हर वो याद जो उससे जुड़ी हुई है मैं हटा देती हूं. और उसके बाद रह जाता है अपना दिमाग, ये जो दिमाग में मेमोरी है इसका क्या किया जाए. तो इसको हम डिलीट नहीं करते ना कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं नई मेमोरीज के साथ. तो मैं क्या करती हूं, नए फ्रेंड्स बनाती हूं, नए लोगों से बात करती हूं, या नया कोई हॉबी अपना लेती हूं जिसमें अपना मन लगाती हूं, और इस तरीके से वो जो मेमोरीज है वो दब जाती हैं और ये सामने से अपना काम करती है जो नए मेमोरीज हैं. मुझे ये लगता है ये सबसे अच्छा तरीका है इस तकलीफ से बाहर आने का. कोई बच्चा रो रहा है देखो. ओके, ये मैं बस आपको बता रही हूं क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये आपके साथ है. अगर आपको कोई तकलीफ दे, चोट पहुंचाए, तो आप उसको भूल नहीं पाते, और शायद उसकी चीजें भी आप अपने पास रखते हो जो कि आपको नहीं रखनी चाहिए. ठीक है, डिलीट करते वक्त आपको बुरा लगेगा, मुझे भी लगता है जब ऐसा होता है बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं वही सोचती हूं कि सामने वाले ने खुद को प्रायोरिटी दी है तो मैं खुद को प्रायोरिटी दूंगी. ओके, तो प्रायोरिटी खुद को दो. आप जब खुद को प्रायोरिटी दोगे तो आप खुद को तकलीफ नहीं होने दोगे, और तकलीफ कैसे नहीं होगी, जब मेमोरीज नहीं होंगी, वो चीजें नहीं होंगी आपके आसपास. ठीक है, धीरे धीरे करके कवर हो जाता है. तो आप ये करिए, तो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं आपके साथ, तो आपकी सोल आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है? सोल आपकी आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो भी है उसको एक्सेप्ट करो, नाखुश मत रहो. एक्चुअली
आई फील कि आप एक स्टार सीड हो, और स्टार सीड्स के साथ में ये होता है, जितने भी कार्ड्स मैं देख पा रही हूँ ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आपको बोलूँ कि आप मसीहा हो, ठीक है? मसीहा ऐसा ही होता है, उसको दर्द होता है, उसको चोट लगती है, उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। इन लोगों का जन्म होता ही इसलिए है कि वो खुद तकलीफ में रहकर दूसरों को खुश रखें, तो कुछ ऐसा है। लेकिन क्योंकि आप मसीहा हो, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, तो आपको दुखी नहीं रहना है, आपको इस चीज को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है, आपको ये मानकर चलना है कि आप एक प्योर सोल हो, आप इस दुनिया से नहीं हो, आप कहीं और से आए हो, और ये आपकी ड्यूटी है, आप इसको पूरा कर रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी खुशियों के बारे में ना सोचें, बिल्कुल सोचें, लेकिन पास्ट में जो हुआ है उसके लिए आप इसी तरीके से सोचें कि आपका बर्थ इसीलिए हुआ था और आपने अपनी ड्यूटी पूरी करी, दैट्स इट। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है उसका मैं आंसर आपको दे रही हूं कि आपके साथ ये क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करके आते हो। जो स्टार सीड्स होते हैं ना, वो एक कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करके आते हैं कि मैं इस दुनिया में जा रही हूं या जा रहा हूं इस रूप में, और मैं वहां के लोगों को इस तरीके से गाइड करूंगी, इस क्षेत्र में उनको गाइड करूंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं चलते, आपका ब्रेकअप हो जाता है, तो उन ब्रेकअप से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा कि किसी किस तरीके के बंदे कि आपको क्लोज जाना चाहिए, किस तरीके के लोगों को आपको प्यार करना चाहिए, प्यार करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कहां पर आपको खुद को डिटैच करना है, कहां पर अटैच करना है, ये सारी चीजें आपने सीखी या फिर नहीं सीखी, या अभी तक आपको एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ होगा। तो ये एक ऐसी चीज होगी, एक एक्सपीरियंस हो गया जिससे कि आप दूसरों को आप गाइड करोगे, जो लोग आपके संपर्क में आएंगे आप उनको बताने वाले हो कि भाई इस तरीके से करो, इस तरीके से नहीं करो, ठीक है? वहीं अगर वर्क प्लेस पर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, जिसको हम अच्छा नहीं हुआ है कह रहे हैं, एक्चुअली वो अच्छा है, बट हाँ उसको फेस करना मुश्किल है, तो वहां पर जो आपने सीखा है उससे आप दूसरों को गाइड कर सकते हो। यही हमारा काम है। हम टीचर्स हैं, जो स्टार सीड्स होते हैं ना वो टीचर्स होते हैं, वो लोगों को टीच करते हैं, उनको उनके गुरु बनते हैं, ठीक है? वो आप करने आए हो, तो उस तरीके से अगर आप इसको एक्सेप्ट करोगे कि ठीक है मुझे गुरु बनाकर भेजा गया, तो आपको ये सम्मान लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी किस्मत खराब है, आप बुरे हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, भगवान आपको प्यार नहीं करते, यूनिवर्स आपको प्यार नहीं करती। नहीं, आपका काम ही वही है, तो आप वो काम करने आए हो। यहां आकर आप भूल गए, ये हुआ। जब आ रहे थे तब तो आप यही सोचकर आ रहे थे कि हाँ मुझे इस तरीके से लोगों को शिक्षा देनी है, लेकिन यहां आने के बाद आप भूल गए। तो जो भी चीजें हुई हैं वो इसी वजह से हुई हैं, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, आपको समझना है इसी तरीके से। हम कैसे दूसरों को समझाते हैं? जब हम पहले समझ जाएं। हम अगर हमसे कोई ये बोले कि भाई ये जो लेसन है ये बच्चे को समझा दो, कैसे समझाओगे अगर खुद नहीं पढ़ा है, है ना? खुद पढ़ा होगा तभी तो समझा पाओगे। तो वही आपको पढ़ाया जाता है, ये जो दुख दर्द आपको मिलते हैं ना, ये आपको लेसन ही दिया जाता है, और उसको पढ़ने के बाद फिर आप दूसरों को गाइड करते हो, यही काम है, ठीक है? तो जो भी पास्ट है, आपकी सोल यही कह रही है, जो भी पास्ट है उसको इस तरीके से समझो कि भाई वो आपके लेसन थे, आपको समझाए गए। क्यों? क्योंकि आपको इस काबिल बनना था कि आप दूसरों को गाइड कर सके। आने वाला जो फ्यूचर है उसके बारे में अभी आपको इतना ज्यादा नहीं सोचना है। अब आप अपने फ्यूचर को सेट कर सकते हो, इतने पावरफुल हो, आपकी बहुत सी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो उस पर काम करें, ठीक है? आपका जो मणिपुर है वो थोड़ा, सोलर प्लेक्सस जो है आपका वो थोड़ा सा वीक है एक्चुअली अभी भी, अगर आप उस पर थोड़ा काम करोगे बेहतर रहेगा, बेहतर तरीके से आप डिसीजन ले पाओगे, बेहतर तरीके से आप लोगों को गाइड कर पाओगे, और जिस काम के लिए आपको भेजा गया है वो प्रॉपर तरीके से आप कर पाओगे। जो भी सुख और दुख मिलते हैं उन सभी को आपको एंजॉय करना है, क्योंकि सुख और दुख सभी के जीवन में होते हैं, और जो लोग इनको अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं ना, टेंशन नहीं होती। जो हम हैं स्टार सीड्स हैं, हमारे तो है ही ऐसा भाई, रिटर्न है, हम लोगों को इसी काम के लिए भेजा जाता है। और जो लोग स्टार सीड्स नहीं है उनकी लाइफ में भी ऐसा होता है, और मैं सभी को बोलती हूँ, कई बार लोग मुझे पूछते हैं पर्सनल रीडिंग्स में, आप हमें कुछ ऐसा बता दीजिए कि हमारे जीवन में परेशानी नहीं है। मैं उनको सीधा बोल देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, और ना कोई ऐसा कर देगा, ना मैं करने वाली हूं, कर पाऊंगी, ना कोई कर पाएगा। जो लोग कहते हैं झूठ कहते हैं। अगर आराम मिलेगा भी 2 महीने मिलेगा, तीसरे महीने फिर आप बोलोगे अरे 2 महीने तो बहुत काम बन रहा था, फिर तीसरे महीने पता नहीं क्या हो गया, फिर आपको बोला जाएगा अरे आप वहां चले गए थे, वहां से ये चीज ऐसी हो गई, अगर वहां नहीं जाते तो जो हमने किया था वो काम कर रहा था, जो भी हमने तैयार किया था फॉर चैंटिंग वैंटिंग करके। ऐसा नहीं है, सुख दुख सभी के जीवन में होते हैं, आते जाते रहते हैं, ठीक है? तो उनको वैसे ही एक्सेप्ट करो, खुश रहना सीखो, ऑलराइट? आपने कई बार देखा होगा मैं इतनी बीमार होती हूँ, खांस रही होती हूँ, गला खराब है, फिर भी मैं वीडियोज बनाती हूँ, हंसती रहती हूँ,
क्या मजा आता है गले में दर्द हो रहा है, नहीं लेकिन एक्सेप्ट करती हूँ। हाँ ये भी है, खट्टी मीठी लाइफ है, सब कुछ चलता है, कभी सब कुछ अच्छा है कभी थोड़ा कड़वा है, चलेगा। मसाले होने चाहिए, बिना मसाले की सब्जी अच्छी नहीं लगती है ना, फीकी फीकी लगती है। लाइफ भी वैसी ही है, स्पाइसेस हैं, एंजॉय इट। ठीक है, तो जो भी हो रहा है इसको एक्सेप्ट करो, मान के चलो कि हाँ आपको गुरु बनाया गया है, और गुरु बनना इतना आसान नहीं होता, इतनी बड़ी पोस्ट संभालोगे तो ये सब तो देखना पड़ेगा, और अभी तो ऊंचा है ना। तो यही आपकी सोल कह रही है कि अपने औहदे को जानो, पहचानो, एक्सेप्ट करो और खुश रहो। ऑलराइट, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर आई है पसंद तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।